रहते हैं उनसे वाकिफ़ कराएंगे जी, और जितना आया है साथी लोग वो सारे के सारे लोग हमारे डेडिकेटेड वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं जी, बूथ स्तर से लेकर के जोन इंचार्ज और प्रदेश स्तर के हमारे सारे लोग इधर मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। और माननीय बहन जी, आज उनको जो तरोताज़ा हालात हैं इस देश में, पूरी संभावनाएं कि माननीय बहन जी उनसे अवगत कराएंगे। सुरेश चंद्रा जी, देखा जाता है कि जब बहन जी का ऐसा कोई होता है, प्रोग्राम होता है, रैली होती है, कैडर होता है, वहाँ बहुत तादाद के अंदर पब्लिक आती है, और जब वोट पड़ने का समय आता है तो वो वोट कहाँ जाता है? आपका ये बात सही हो सकता है आम पब्लिक की बात, लेकिन आज आम पब्लिक नहीं है जी। आज हमारे सबके सब डेडिकेटेड समर्पित कार्यकर्ता आए, पदाधिकारी आए, जो माननीय बहन जी के पास अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है, वो तजुर्बे से आज वो वाकिफ़ कराएंगे। कैडर प्रोग्राम का अलग ही स्टेटस होता है, रैली रैला और रैली जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग वो है, लेकिन यहाँ रैली और रैले का अर्थ नहीं है, मतलब भी नहीं है, वो कार्यक्रम भी नहीं है। कार्यक्रम हमारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन और कैडर प्रोग्राम। सर, ये जो आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाती है? अभी नोटबंदी का प्रोग्राम था, जीएसटी का प्रोग्राम था, और ईवीएम को लेके था। ईवीएम का जहाँ तक मामला है, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ऐतराज उठाया, माननीय बहन जी ने ऐतराज उठाया, और मुकदमे में भी अगर कोई पैरोकार हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पहले रहे हैं जी, उन लोगों ने मुकदमा भी किया। और जहाँ तक नोटबंदी का बात है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने चैनल पर जाकर के, जो आरएसएस वालों का ही चैनल है सुदर्शन टीवी, मैंने वहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि आम मैंने वहाँ पर भी ये चीज़ कही है कि नोटबंदी से कोई लाभ नहीं हुआ है, देश परेशान हुआ है, जनता परेशान हुई है, कैडर किसी की भी हो जी, इवन देन जो व्यवसायी वर्ग है वो भी दुखी हुआ है, और आज वो लोग मान रहे हैं इस बात को। आपने देखा होगा जीएसटी के मामले में इनका कोई ऑर्डर नहीं रहा उसमें, अगर मान लीजिए इसका मतलब हुआ हमने कोई सोच समझ करके फैसला नहीं लिया, अगर उनमें बार बार तब्दीली हो रही है, जनता को ये नहीं पता कि कल को अभी क्या होने वाला है, अभी घंटे भर बाद क्या ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट भी बेयकीन हो गई है। सबसे पहले अगर किसी ने ऐतराज़ लगाया है तो वो बहुजन समाज पार्टी के ही पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों में और समर्थकों ने, शुभ चिंतकों ने। सर, दिल्ली के अंदर एकदम अब सीलिंग का वो मसला चल रहा है, और पूरी दिल्ली के अंदर व्यापारी जो हायतोवा मचा रहे हैं, जो छोटे व्यापारी वो भी हायतोवा मचा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। सुनिएगा, व्यापारी वर्ग का मामला है, और व्यापारी वर्ग ने चूंकि बीजेपी की ही सरकार बनाई है, वो अपनी दुकानों पर बैठ करके बीजेपी का वो करते थे, प्रचार करते थे, वोट डलवाई हैं, कांग्रेस ने भी डलवाई हैं, तो वो करें इस काम को, जब हमारे पास तक आएगी बात करेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी के अंदर व्यापारी लोग नहीं है? नहीं है, सिर्फ गरीब लोग हैं, सब के सब। अरे सर, जिनको सारे जहां ने नेगलेक्ट किया जी, जिनको सारे जहां ने नेगलेक्ट किया उनको बसपा ने और माननीय कांशीराम साहब ने सेलेक्ट किया है, उन लोगों का राजनीति। आवाज़ तो उठा रही होगी, लेकिन देखिएगा आवाज अभी जो भी कुछ होगा वो माननीय बहन जी के स्तर का मामला होगा जी, जो डिसीजन होगा हम लोग उनके डिसीजन में अनुपालन में लगे हैं, और बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं। और इन्होंने बताया कि जो सबसे पहले जो ईवीएम का मुद्दा था वो हम ही लोगों ने उठाया था, बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। आगे और बात करते हैं।